हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये हमारे जो चार पैटर्न मैंने आपको बताए हुए हैं, उनमें से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ट्रेंगल वाले पैटर्न बताए हुए हैं, मैंने ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न बताए, मैंने पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न बताए। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा था आज मार्केट में? ये वाला दिखाई दे रहा था, ट्रेंड लाइन से मिलके बनता हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। साथ ही साथ ये नैरो भी होता जा रहा है। नैरो होता जा रहा है, इसका मतलब दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा अगर यहाँ पे बायर्स हावी होंगे, और अगर सेलर्स हावी होंगे, या फिर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा। ब्रेकआउट मिला तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, और अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसका मिला है हमें ब्रेकडाउन, तो हमें मिली है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ईमानदारी से कमेंट करना किस किस ने इस पैटर्न को देखा और इसकी मदद से प्रॉफिट बनाया, ईमानदारी से करना। और अगर किसी ने ट्रेड नहीं ली और फिर भी इस पैटर्न को देख लिया था, वो भी कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपको, क्योंकि इससे हमें अच्छा लगता है कि जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रही है, आप मार्केट में देख पा रहे हैं। अब काफी लोग कमेंट करेंगे कि जो सर आप चार पैटर्न की बात कर रहे हैं, जो ये वाले पैटर्न हैं, हम इनके बारे में नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने चारों पैटर्न को डिटेल में समझाया हुआ है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लो और उसके जाने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम आपको बताते हैं, लाइक कर दिया करो। चलो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, आपको लगभग फ्लैट ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली। मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया और 16,400 पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, और वहां से हमें एक अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 16,200 को हालांकि मार्केट ने टच नहीं किया, लेकिन इसी जोन में मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो कल को भी आपको इन दोनों लेवल पे नजर रखनी है। ये 16,200 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा, और 16,400 हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। समझ गए? अब सीधा हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कल को मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है। पहला डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, 16,282 के लेवल की है। निचले वाले लाइन की बात करेंगे, 16,211 की है। यानी कि ये जो 16,211 है, ये 18 का लो है, और ये 16,282 है, ये 17 का हाई है। अब जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई दे रहा है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ध्यान ये भी रखना है, अगर ब्रेकआउट मिला तो 17 का जो हाई है, यानी कि डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करते हुए दिखाई देगी। बात करें 16,211 की, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मिल सकती है आपको मार्केट में। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 18 का डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई नजर आएगी। इन पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो फिलहाल हम देखते हैं ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल हो सकते हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल हो सकते हैं, इनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,400 पे दिखाई दे रहा है। ये वीडियो की शुरुआत में भी मैंने यहाँ पे इसे डिटेल में डिस्कस किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखी है, 16,400 पे हमने काफी ज्यादा जोर दिया है और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि 16,400 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले से बना हुआ है। आज आप देख सकते हैं 18 को देख सकते हैं, 18 को हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। आप 10th को देख सकते हैं, 10th को भी मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था। आप 9th को देख सकते हैं, 9th को भी आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 6th को देख सकते हैं, 6th को मार्केट ने इसी लेवल, कह रहा हूँ आपको, लगभग एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया था। यानी बायर्स चाह रहे थे कि इस लेवल का हमें ब्रेकडाउन मिल जाए, सेलर्स चाह रहे थे कि
इस लेवल, बायर्स चाह रहे थे कि इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाए, सेलर्स चाह रहे थे कि इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाए। इस तरह की सिचुएशन हमें सिक्स को मार्केट में देखने को मिली थी। अब डिस्कशन करते हैं, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया तो उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,500 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसकी बात करेंगे सिक्स को, आप देखेंगे सिक्स को आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिक्स को आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,200 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 18 को भी मार्केट ने, यानी कि आज के दिन भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 17 की बात करेंगे तो 17 में पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आया। 11th को देखोगे तो 11th को भी हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला। 10th को देखोगे, 10th को एक सपोर्ट देखने को मिला था। 9th को देखोगे, 9th को भी एक मजबूत सपोर्ट मार्केट में हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो 16,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट 16,100 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसकी बात करें तो 17 को आप देख सकते हैं, पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। 13 की बात करें, 13 को एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला था और यहाँ से अच्छी खासी मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली थी। 11th की बात करें, 11th को मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से आपको यहाँ पे सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नज़र हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट की मदद से मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,294 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,385 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,469 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,210 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,148 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,092 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दो, आप लाइक नहीं करते। यहाँ पे आप देखेंगे 19 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके, यानी कि कल एक्सपायरी डे होने वाला है, तो आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी, इसलिए आपको बड़ी सावधानी के साथ ट्रेड करना है और लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं सिचुएशन पे। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,300 पे, जहाँ पे आप देखेंगे 64.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहाँ पे आपको 63.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,200 पे आप देखेंगे 47.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 16,100 पे, जहाँ पे आपको 34.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट पे हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका हम आपको 13th एपिसोड भी प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने अपने 12th एपिसोड में आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया था, और इसका अगला एपिसोड जो कि 13 है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, और वेबसाइट पे भी कमेंट कर दिया करो कि आपको ये आर्टिकल कैसे लग रहे हैं, वीडियोस कैसे लग रही हैं। तो वेबसाइट पे भी नीचे कमेंट का बॉक्स होता है, वहां पे जाके आप अपने विचार बता सकते हैं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप कमेंट कीजिए, हम उसे भी इंप्रूव करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा,
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।